उत्तराखंड राज्य का इतिहास। ठीक, चलो अब इतिहास की श्रृंखला को शुरू करना। उत्तराखंड राज्य का इतिहास। ठीक, उत्तराखंड राज्य का इतिहास। तो समझो जरा दो तीन बातें। कहीं का भी हो इतिहास, इतिहास का मतलब एक हिसाब से अतीत है। इतिहास का मतलब क्या हुआ? तो इतिहास का मतलब हो गया अतीत, पहले का, इससे पहले का जो कुछ भी हुआ वो इतिहास है। आज जो कुछ भी हो रहा है, कल ये सारा का सारा अतीत बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। विश्लेषण करते हैं कई लोग इतिहास का, और तब कहते हैं कि भाई इतिहास जो है दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, इति और दूसरा इसके साथ जोड़ा गया है हास। तो उनको आपस में जोड़ लेते हैं तो कुछ ऐसा अर्थ निकाला जाता है कि ऐसा हुआ प्राचीन काल में, अतीत में जो कुछ भी घटनाएं हुई है उसको हम इतिहास के नाम से जानते हैं। कहीं का भी हो सकता है इतिहास, भारत का हो सकता है, विश्व का, इंग्लैंड का हो सकता है, उत्तराखंड का हो सकता है, इस क्लास का हो सकता है, कहीं का भी ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये कि इसको इतनी महत्ता क्यों दी जाती है। किसी भी जीएस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन इतिहास क्यों बन करके आता है, मतलब कि इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं, आखिर क्या ऐसी आवश्यकता है कि हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो कई सारों के अपने अपने मत हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। जो एक सर्वमान्य मत सभी लेखकों का निकल करके आता है वो ये कि इतिहास हमें कुछ चीज़ें सिखाता है, क्योंकि इतिहास अतीत है, प्राचीन काल में हुई सभी घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। तो ये हमें कुछ चीज़ें सिखाता है। क्या चीज़ सिखाता है? कि भूतकाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने गलतियां जरूर करी होंगी। क्या इतिहास भूतकाल है, वर्तमान है या भविष्य है? भविष्य हम देख नहीं सकते, वर्तमान तो चल रहा है। तो भूतकाल में हमारे द्वारा कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ जरूर हुई होंगी जिससे कुछ विहंगम परिस्थितियाँ बन गई, बहुत विकट परिस्थितियाँ बन गई। विकट परिस्थितियों का मतलब है ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, आई होंगी कि जहाँ पर युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बन गई। तो इतिहास का मतलब ये हो गया कि हम अपने प्राचीन को देखें, पीछे का हिस्सा देखें, और अपने अतीत को देख करके भूतकाल में मानव ने जो जो गलतियाँ करी है वो गलतियों को दोहराएं ना। ऐसी गलतियाँ जिससे युद्ध जैसी स्थितियाँ बन गई थी, उन गलतियों को हम वापस ना दोहराएं। मतलब बहुत शॉर्ट सी बात है कि कोरोना का टाइम पीरियड आया, तो कोरोना के टाइम पीरियड आते ही भारत सरकार ने संविधान में कुछ चीज़ें हैं, हमें कुछ अधिकार दिए गए, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, कई सारी चीज़ें दी गई है ना। लेकिन कोरोना के आते ही सरकार ने कुछ नए नियम कानून यहाँ पर लागू कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई लॉकडाउन जो है उसको लागू कर दो। तो क्यों कहा गया कि लॉकडाउन को लागू कर दो? कैसे पता हमें कि लॉकडाउन से ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले अतीत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी है जो चीज़ें हमें ये सिखाती होंगी कि जब कभी भी इस प्रकार की स्थितियाँ आई होगी तो ऐसी स्थिति से हमने कैसा निपटा होगा। यानी कि हम उत्तराखंड अपने राज्य की बात करेंगे तो लगभग 1919-1920 ईस्वी के अंदर इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस आया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के समय पर्सी विंगम के द्वारा उत्तराखंड में इस प्रकार के कुछ कदम उठाए गए, तो उसके आधार पर हम लोग कहते हैं उस समय ऐसा किया था तो हमें थोड़ा सा पता रहा। इन फ्यूचर ऐसा कोई और वायरस आता है तो हमें पता रहेगा कि हमें उस वायरस से कैसे निपटना है। क्यों इतिहास पढ़ते हैं? एक लाइन में कहेंगे तो क्या बोलोगे? इतिहास हमारा अतीत है और इसका अध्ययन क्यों किया जाता है? इसलिए कि भूतकाल में मानव के द्वारा जितनी भी गलतियां करी गई है, जिन गलतियों से युद्ध जैसे विकट परिणाम या ऐसी स्थितियां बन गई थी जहां लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई थी, उन स्थितियों को दोहराया ना जाए, इसको इन जनरल हम लोग इतिहास कहते हैं। खैर ग्रुप सी में हमें कोई मतलब नहीं कि इतिहास किसे कहते हैं और इसका अध्ययन क्यों करते हैं। कालक्रम के अनुसार और पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई को इजी करने के लिए इस इतिहास को जो है तीन अलग अलग कालखंडों में बांट लेते हैं। इतिहास के पहले कालखंड को, इतिहास का जो सबसे पहला कालखंड होता है, इसे प्रागैतिहासिक इतिहास के नाम से जानते हैं, प्रागैतिहासिक। और इतिहास का जो सबसे अंतिम कालखंड होता है इसे बोलते हैं ऐतिहासिक कालखंड। सुगमता की दृष्टि से अलग अलग बांट लेते हैं। इतिहास इतिहास होता है भाई, कल का हो, परसों का हो, 1000 साल पुराना हो, 2000 साल पुराना हो, इतिहास इतिहास होता है। लेकिन अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ईजी करने के लिए हम इतिहास को ऐसे अलग अलग बांट लेते हैं। एक इतिहास के कालखंड को प्रागैतिहासिक इतिहास कह लेते हैं, एक इतिहास के कालखंड को ऐतिहासिक इतिहास का कालखंड कह लेते हैं, एक इतिहास के कालखंड को आद्य ऐतिहासिक नाम दिया जाता है। यानी इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो क्या आंसर दोगे? तीन कालखंडों में विभाजित किया गया। पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं, दूसरे को आद्य ऐतिहासिक और तीसरे को ऐतिहासिक। इतिहास के कौन से कालखंड को प्रागैतिहासिक इतिहास कहा जाता है? तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना कि इतिहास पूरा का पूरा टिका है सिर्फ एक चीज़ पर, और उस चीज़ को कहा जाता है साक्ष्य।
या फिर इसे कहो प्रमाण, या फिर इसे कहो प्रूफ। साक्ष्य है, प्रमाण है, प्रूफ है तो इतिहास है। साक्ष्य नहीं, प्रमाण नहीं, प्रूफ नहीं तो फिर इतिहास नहीं। भगवान राम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इस बात का कोई प्रमाण है, साक्ष्य है तो फिर लिया है जन्म, और नहीं है तो फिर नहीं लिया है जन्म। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों के आने के बाद इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ। लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं, भगवान राम का कोई अभिलेख नहीं मिला, कोई सिक्का नहीं मिला। इसलिए आज के टाइम हम पूरी रामायण को काव्यकाल के अंतर्गत क्या मान लेते हैं, उसको साहित्यिक इतिहास मान लेते, पढ़ते ही नहीं। पेपर में आते हैं प्रश्न, आता ही नहीं कि राम के पिता कौन थे, राम की माता कौन थी, नहीं प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसको इतिहास के कालखंड से हटा दिया गया है। कारण क्या है कि हमें साक्ष्य नहीं मिले। तो इतिहास साक्ष्यों के आधारित पर पढ़ते हैं हम लोग, साक्ष्य प्रमाण और प्रूफ के आधार पर ही इतिहास का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात, इतिहास का वह कालखंड जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसा कालखंड जहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, इतिहास का वो कालखंड जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य मतलब लिखा हुआ नहीं है, और कुछ हो सकता है, उस जमाने की हड्डियां मिल सकती है तुम्हें, उस जमाने का कोई कांसे का कटोरा मिल सकता है, उस जमाने के कंकाल तंत्र मिल सकते हैं, उस जमाने के घर मिल सकते हैं, पर लिखा हुआ नहीं। क्योंकि जब आपको कोई चीज मिलेगी तो उस चीज के आधार पर इतिहास पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आपने खुदाई करी और खुदाई के बाद आपको ये पेन मिलता है, तो बताओ इस पेन का इतिहास क्या है, कुछ बता सकते हो? अब अपने अपने हिसाब से बता सकते हो, कार्की अपने हिसाब से बताएगा, अनूप अपने हिसाब से बताएगा, जिसको जो लगेगा। ये पेन किसका है, कार्की ने कहा भाई ये पेन राजा दशरथ का है, अनूप ने कहा ये पेन नहीं भगवान कृष्ण का है, तो कृष्ण का ही बन जाएगा, अंदाजा मात्र होता है ना। तो ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है, जब साक्ष्य लिखित हो जाते हैं तो इतिहास पढ़ना आसान हो जाता है। हमारे पास लिखित साक्ष्य है कि अशोक नाम का राजा था और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, तो अशोक का पापा बिंदुसार ही रहेगा, कुछ भी कर लो अशोक का पापा पप्पू नहीं बनेगा या कोई और नहीं बनेगा ना, बिंदुसार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है। तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर हम पूरा इतिहास पढ़ते हैं। ऐसा कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास। ऐसा कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक इतिहास कहा जाता है। तो आसान कौन सा है पढ़ना, ऐतिहासिक इतिहास में आपके पास क्या होते हैं, लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्यों के रूप में कोई अभिलेख हो सकता है, लिखित साक्ष्यों के रूप में कोई किताब हो सकती है, लिखित साक्ष्यों के रूप में हमारे यहाँ पर ताम्रपत्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर लिखा हुआ जो इतिहास होगा उसको ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। और ऐतिहासिक इतिहास को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, ऐतिहासिक इतिहास के पहले कालखंड को अक्रमबद्ध या अव्यवस्थित ऐतिहासिक कालखंड का इतिहास कहते, और दूसरा जो कालखंड है उसको हम लोग नाम देते क्रमबद्ध। एक है जो सिस्टमेटिक तरीके से जहां पर पूरा का पूरा इतिहास हमारे सामने होगा, और कई कई बार ऐसा होगा भी नहीं। इतिहास का एक और कालखंड भी है जिसको आद्य ऐतिहासिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड होता है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो होते हैं, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, यानी अपठ्य लिखित साक्ष्य जिस इतिहास के मिलते हैं उसे आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास के कितने कालखंड है, तीन। तीन कालखंडों में पहला कालखंड प्रागैतिहासिक, दूसरे को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, और तीसरे को कहते हैं ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक इतिहास किसे कहा जाएगा, प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री किसको बोलेंगे, ऐसा हिस्ट्री जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिकल किसको बोलेंगे, ऐसा इतिहास जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य है लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, कारण उनकी लिपि कुछ अलग हो सकती है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें बहुत सारी लिखी हुई चीजें मिली है, लेकिन वहां पर जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वह भावचित्रात्मक लिपि, भावचित्रात्मक लिपि। व्हाट्सएप में यूज करते हो ना तुम भावचित्रात्मक लिपि, एक मैसेज लिखने के बाद वो छोटा सा मुंह बना करके भेज देते, वो चिन्ह होता जो क्या बोलते उसको, इमोजी। तो वो इमोजी, कई लोग इमोजी में कर लेते बात, उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है ना, तो वो पूरा बात ही इमोजी में कर लेते। भावचित्रात्मक, अपने भावों को एक्सप्रेस करना, मतलब उसमें एक रहता दो आंसू निकलते हैं, मैं सोचता था कि उसका मतलब रोता, मतलब रोने वाला आदमी होगा, फिर किसी ने बताया तो हंस रहा है बल, तो मैंने कहा ऐसा भी होता है। एक लाल मुंह का रहता मैंने, इसका मतलब है गुस्सा है ना, ऐसा रहता है। एक आंख मार रहा रहता है, इसका मतलब है कि मजाक कर रहा हूं, ऐसा अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो वो भावचित्रात्मक है ऐसे, अब वो भावचित्रात्मक बना रखे। अब तुमको कोई भेज, अब मैंने तुमको जो है कि एक भेजिया लाल मुंह, और एक भेजिया मैंने तुमको ताला, और एक बीच में भेजा मैंने तुमको कुलाड़ी, तो बीच में हंसता हूं, क्या उससे समझोगे ना पूरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ पाओगे। कईयों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, समझ भी जाते हैं। तो ऐसा इतिहास हमारे पास जिसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, कारण क्या रहा, लिपि। लिपि उसकी जो है थोड़ा भावचित्रात्मक हो सकती है, या ऐसी कोई लिपि जो हम पढ़ ही नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। जिस दिन इसको पढ़ दिया उस दिन ये भी वहां चल जाएगा, ऐतिहासिक कालखंड में चल जाएगा। और सबसे आसान इतिहास कौन सा होता है, ऐतिहासिक। लेकिन भाई दिक्कत यह है कि हमें इतिहास की शुरुआत यहां से करनी पड़ती है, प्रागैतिहासिक से,
और यहां थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि यहां लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं, तो फिर अंदाजा मात्र होता है। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम इतिहास को तीन हिस्सों में बांटते, एक को प्राचीन कहते, एक को मध्य कहते और एक को आधुनिक कहते। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो इतिहास ऐसे तीन कालखंडों में विभाजित है। पहला कालखंड आज करेंगे, टॉपिक डालो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास, उत्तराखंड राज्य का प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास। ठीक, किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास? तो अभी मैंने कहा इतिहास का वो कालखंड, वो कालक्रम जिसके हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं, कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं है जिसको हम लिखित साक्ष्य कह सके, तो ऐसे इतिहास को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक इतिहास। या मैं परिभाषा को थोड़ा सा परिवर्तित करूं तो मैं कहूंगा कि प्रागैतिहासिक इतिहास इतिहास का वह कालखंड होता है जहां पर लिखित साक्ष्य न होकर के हमारे पास कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास होते हैं। गुरुजी, ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है वो प्रमाण, वो प्रूफ जो हमें खुदाई से मिलते हैं। जब आप खुदाई करोगे तो खुदाई से प्राप्त होने वाली जो चीजें हैं उन्हें आप पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रख सकते हो। तो कौन से इतिहास को आप प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हो? ऐसा इतिहास का कालखंड जिसके आपके पास लिखित साक्ष्य नहीं है परंतु कैसे साक्ष्य होते और पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में आपको कोई सी भी चीज मिल सकती है, खुदाई के बाद आपको कोई सी भी चीज प्राप्त हो सकती है, तो उसी को हम प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। और हमारे राज्य के अंदर इतिहास अलग अलग कालखंडों में चला। किसी समय चंद राजा राज कर रहे थे, कभी पंवार राजा थे, कभी गोरखा राज कर रहे थे। फिर एक टाइम पीरियड आया जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज प्रारंभ हुआ और ब्रिटिशर्स के शासनकाल में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो पहले व्यक्ति वही थे जिन्होंने प्रागैतिहासिक इतिहास की तरफ भी ध्यान दिया। अपने को तो मतलब ही नहीं था, भारत वालों को इतिहास से कोई मतलब नहीं था, उनको कोई मतलब नहीं प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से। लेकिन अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कहा कि एक इतिहास वो भी था जब आदमी को लिखना ही नहीं आता था, उस समय का जो इतिहास है उसको ढूंढा जाए। और ये बताओ तो कि प्रागैतिहासिक इतिहास अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए आपको कैसे साक्ष्य चाहिए और पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए क्या करना पड़ेगा? खुदाई करनी ही पड़ेगी। तो अंग्रेजों के शासनकाल में ये सारी की सारी व्यवस्थाएं शुरू होती है। तुम्हें पता होगा 1856-1856 ईस्वी के अंदर कुमाऊं कमिश्नर के पद पर हेनरी रेमजे को नियुक्त किया गया। एक कुमाऊं कमिश्नर होता है, उसका नाम होता है हेनरी रेमजे। 1856 में वो कुमाऊं का कमिश्नर बनकर के आता है और हेनरी रेमजे के नेतृत्व में ही सबसे पहली बार उत्तराखंड में उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य प्रारंभ होता है। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि रेमजे का शासनकाल जो है वह प्रागैतिहासिक इतिहास की नींव रखेगा। उत्तराखंड के अंदर प्रागैतिहासिक इतिहास की खोज किसके शासनकाल में करी जाती है? तो कहेंगे हेनरी रेमजे के शासनकाल में करी जाती है। और हेनरी रेमजे ने खुदाई करवाई और खुदाई करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें वहां से प्राप्त होंगी और जो चीजें आपको वहां से प्राप्त होंगी उसके आधार पर आप इतिहास का, आप नहीं, हम आप कुछ नहीं कर सकते, इतिहासकारों ने उसके आधार पर एक कहानी बनाई है प्रागैतिहासिक इतिहास की और वो कहानी हमें पढ़नी है और उसी को हम उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी सारी की सारी कहानी किस पर अटकी हुई है? साक्ष्य पर, प्रूफ पर, प्रमाण पर। तो खुदाई से तो हमको बहुत सारी चीजें मिलती है। खुदाई करने के बाद मिलने वाली वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे काम की होंगी जिसके आधार पर हम प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ पाएंगे? प्रागैतिहासिक मतलब वो इतिहास जिसको लिखा हुआ नहीं है कहीं पर। अब लिखा हुआ नहीं है और वो पढ़ना है, यानी आदिवासियों का इतिहास एक हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, कुनिंदों का वंश पढ़ेंगे, वो सारे वंश इसके अंदर पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जिसको हम प्रूफ के रूप में ले सकते हैं? क्योंकि जब आप खुदाई करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता ना बाई चांस तुम में से भी कोई इंस्पायर हो जाए मेरी बात सुन के और घर जाके अपना खुदाई करना स्टार्ट कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि भाई देखो घर जाके तुमने खुदाई करना स्टार्ट किया और खुदाई करने के बाद जो है कि तुमको एक प्याला मिल जाए वहां। ऐसा भी हो सकता है बाई चांस तुम्हें कोई कप मिल जाए, कोई थाली मिल जाए, और हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी ने रखी हो थाली, हो सकता है कि मलबे में दब गई हो थाली और तुम हो गए खुश, मैं बन गया इतिहासकार। ऐसा नहीं भाई, खुदाई के बाद तो कुछ भी मिलेगा, जूता, चप्पल, पता नहीं क्या क्या, कंचा कुंचा कुछ भी मिल जाएगा। तो प्रत्येक चीज को आप इतिहास के साक्ष्य नहीं मानोगे। कौन कौन से वो साक्ष्य हैं जिसके आधार पर आप प्रागैतिहासिक इतिहास, प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी पता कर सकते हो? तो साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, अगर आपको ये चीज मिल गई तो फिर आप आधे से ज्यादा इतिहास समझ पाओगे, और वो होते हैं डेड बॉडीज, जिसको बोला जाता है सवाधान। सवाधान ये मिल जाए तब बात करना। और ऐसा नहीं कि सवाधान आज ही कल का किसी का है, ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी ने दफनाया हो किसी को, तुमने उसी को निकाल दिया, क्यों बताओ? है ना, तुमने उसी को नहीं बोला, सवाधान मिल गया, खुश हो गए, हिस्ट्री पता चल गया। नहीं, सवाधान क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि सवाधान का मतलब है आदमी की डेड बॉडी, और मानव शरीर में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि कार्बोनिफेरस युग से इस दुनिया में कार्बन की उत्पत्ति हो गई थी। और कार्बन अगर किसी की भी किसी भी चीज के अंदर अगर कार्बन है तो हम उसकी एज निकाल सकते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करके।
तो आदमी का डेड बॉडी मिलेगा तो उसके बॉडी में जो कार्बन है उस कार्बन से हम कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि ये डेड बॉडी कितनी पुरानी है। अब क्या होगा, मान लो आपको एक डेड बॉडी मिली, आपने कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया और आपको पता चला कि ये डेड बॉडी 3000 साल पुरानी है। समझना जरा इस बात को, कितने साल पुरानी निकली। तो आप काउंट करोगे कि आज 2019 है, तो आज से 3000 साल पहले क्या सन चल रहा होगा, तो आप कहोगे सन 1000 ईस्वी चल रही थी। 1000 ईस्वी चल रही थी तो भारत के इतिहास में क्या चल रहा था, आपने कहा भाई वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल लगभग खत्म हो चुका होगा, तो आपके पास एक प्रमाण निकल करके आएगा कि उत्तर वैदिक काल में भी उत्तराखंड के अंदर किसी ना किसी सभ्यता का जन्म हुआ करता था। अगर डेड बॉडी 4000 साल पुरानी निकल गई, आप देखोगे भारत में 4000 साल पहले क्या चल रहा था, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो आप कहोगे जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उत्तराखंड में भी सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व रहता होगा। इसलिए सबसे बेहतरीन चीज होती है किसी भी प्रागैतिहासिक इतिहास को जानने की, क्या होता है, डेड बॉडी। या फिर डेड बॉडीज के अलावा आपको किसी स्थान से प्राप्त हो जाए क्या, तो इनको हम यहां पर बोलते हैं केव पेंटिंग्स, यानी कि गुफा चित्र, केव पेंटिंग्स या फिर गुफा चित्र। अब कुछ दिन पहले पढ़ ही रहे थे हम लोग क्या लोक कला, लोक चित्र, और तब हमने कहा था कि लोक कला जो है वह भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होता है। उस जमाने के लोगों के मन में किस प्रकार के भाव होते होंगे वो हमें थोड़ा बहुत ही पता चलेगा, किसके माध्यम से, केव पेंटिंग्स या गुफा चित्र। तो इतिहास के साक्ष्यों में सबसे पहले फोकस करेंगे समाधान पर। समाधान के अलावा अगर आपको कोई गुफा चित्र मिल जाते, प्राचीन काल के बहुत पहले के गुफा चित्र मिल जाते, तो इन गुफा चित्रों के आधार पर भी हम थोड़ा बहुत प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। गुफा चित्रों के बाद तीसरी जो चीज जो हमें हमारे राज्य के अंदर जो हमें प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में बताएगी, उसको कप मार्क्स कहते हैं। कप मार्क्स का मतलब होता है उरखली धार, ओखली, ओखली या फिर उरखली धार। इसके अलावा बहुत अच्छा है अगर आपको कुछ ताम्र उपकरण मिल जाए, क्योंकि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा धातु थी, और अगर आपको तांबे के प्राचीनतम उपकरण मिल जाए तो वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतिहास किस प्रकार का रहा होगा। तो ताम्र उपकरण एक और प्रकार के साक्ष्यों में गिना जाएगा। ये सभी के सभी क्या होते हैं, इतिहास के प्रागैतिहासिक स्रोत होते हैं। इनको नाम दिया जाता है इतिहास के प्रागैतिहासिक स्रोत, जिनके आधार पर हम प्री हिस्टोरिकल सोर्सेज है, जिसके आधार पर हम इतिहास का प्री हिस्टोरिकल वाला जो हिस्ट्री है उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, डेड बॉडीज, बहुत अच्छे है अगर डेड बॉडीज मिल जाए, और क्या मिल सकती है, गुफा चित्र, केव पेंटिंग्स, और क्या मिल सकते, कप मार्क्स, और क्या मिल सकते, ताम्र उपकरण, और क्या मिल सकते, मृदभांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन। और इन सारी चीजों के आधार पर हमारे सामने एक प्रागैतिहासिक इतिहास होगा और उसी को हमें पढ़ना है और खत्म करना, समझ लो। हर जगह से प्रश्न पूछता है, समाधान से, गुफा चित्रों से, लाखो उडियार, गोरख्या उडियार, कई सारी गुफाएं पूछ लेगा, ओखली, कप मार्क्स से, रिवेट कॉर्नर, द्वाराहाट, चंद्रेश्वर मंदिर, कई सारे प्रश्न पूछ लेगा, ताम्र उपकरणों से प्रश्न पूछ लेता है, मृदभांडों से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो उत्तराखंड के अंदर ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जो कि हमें मिलने चाहिए, और इसकी बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास किस प्रकार का रहा होगा। सबसे पहले ध्यान रखना, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के उत्खनन का कार्य किसके शासनकाल में प्रारंभ होता है, हेनरी रेमजे के द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और हेनरी रेमजे के द्वारा नियुक्त किए गए इस व्यक्ति का नाम होता है W.J. Henwood, याद रह जाएगा W.J. Henwood। हेनरी रेमजे ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया इस उत्खनन कार्य के लिए, और उस व्यक्ति का नाम होता है W.J. Henwood। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो W.J. Henwood से पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने की उत्तराखंड में उत्खनन का कार्य करवाया हो। सबसे पहले किसने कराया, W.J. Henwood। आप कौन सा इतिहास पढ़ रहे हो, प्रौद्योगिकी नहीं, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रौद्योगिकी तो टेक्नोलॉजी हुआ ना, प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिकल, जो ऐतिहासिक से पहले का कालखंड है। तो आप खुदाई कर रहे हो, और खुदाई करने के बाद सबसे पहले खुदाई कौन कर रहा है, W.J. Henwood। इससे पहले किसी आदमी ने उत्तराखंड के अंदर खुदाई का कार्य नहीं किया था, तो इसी W.J. Henwood को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहते हैं। पुरातत्व का जनक उत्तराखंड में किसे कहा जाता है, तो फिर आप कहेंगे पुरातत्व का जनक W.J. Henwood को कहा जाता है। उत्तराखंड के अंदर पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तब कहेंगे W.J. Henwood। W.J. Henwood को पुरातत्व का जनक कहा जाता है उत्तराखंड में। सीधा प्रश्न याद रहेंगे, पुरातत्व का जनक W.J. Henwood को कहते हैं। प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता भी आप W.J. Henwood को कह सकते हो, क्योंकि इसी की वजह से हमें पता चला कि चंद, पंवार, कुणिंद, कचूरी से भी पहले कुछ लोग यहां पर निवास कर रहे थे। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे W.J. Henwood। क्या किया इसने, तो W.J. Henwood के द्वारा 1856 में जब रेमजे कमिश्नर बना, तो 1856 में W.J. Henwood के द्वारा
देवी धुरा, लिख लो एक पॉइंट, 1856 में, 1856 डब्ल्यू जे हैनवुड के द्वारा, देवी धुरा कहां पर है? चंपावत। तो 1856 में डब्ल्यू जे हैनवुड के द्वारा देवी धुरा का उत्खनन कार्य किया गया, देवी धुरा का उत्खनन कार्य किया गया, देवी धुरा का उत्खनन कार्य किया गया 1856, 1856 डब्ल्यू जे हैनवुड के द्वारा सबसे पहले खुदाई करी गई कहां पर? देवी धुरा। देवी धुरा का उत्खनन कार्य डब्ल्यू जे हैनवुड के नेतृत्व में वर्ष 1856 में होता है, और 1856 में होने वाले इस खुदाई के कार्य में, जो देवी धुरा के अंदर खुदाई का कार्य हुआ था, सबसे पहले डब्ल्यू जे हैनवुड को देवी धुरा के इस उत्खनन कार्य में कुछ समाधान प्राप्त होते हैं। समाधान का मतलब होता है डेड बॉडीज, इसको यहां से कुछ समाधान प्राप्त हुए थे डब्ल्यू जे हैनवुड के द्वारा। डब्ल्यू जे हैनवुड के द्वारा देवी धुरा के चंपावत में ये जो डेड बॉडीज मिलती है, ये उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहासों की प्रथम खोज है। सबसे पहली खोज किस वर्ष करी गई प्रागैतिहासिक इतिहास की? 1856। किसने करी? डब्ल्यू जे हैनवुड। मतलब इससे पहले कोई था ही नहीं जिसने खुदाई करके कुछ निकाला हो, और इसको क्या मिल गए? डेड बॉडीज मिले। प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है? पहला प्रश्न बहुत बेसिक कि पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। प्रश्न हो सकता है प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो भी कहेंगे डब्ल्यू जे हैनवुड। प्रश्न आपके पास हो सकता है उत्तराखंड के अंदर, पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो भी डब्ल्यू जे हैनवुड। या फिर प्रश्न पूछेगा उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की प्रथम खोज किस वर्ष करी गई? 1856। कहां से करी गई? देवी धुरा। और किसने करी? डब्ल्यू जे हैनवुड। इसने कुछ डेड बॉडीज यहां से निकाली। अब क्या होगा इन डेड बॉडीज का? अब ये डेड बॉडीज को देखना पड़ेगा, इन डेड बॉडीज का विश्लेषण करना पड़ेगा, और इन डेड बॉडीज का कार्बन डेटिंग पद्धति से पता करना पड़ेगा कब की डेड बॉडीज है। तो क्या हुआ, डब्ल्यू जे हैनवुड के द्वारा देवी धुरा से प्राप्त की जाने वाली ये जो डेड बॉडीज थी, इनका विश्लेषण कार्य किया दो व्यक्तियों ने, एक का नाम था व्हीलर और दूसरे का नाम था इतावली। तो क्या लिखोगे? व्हीलर तथा इतावली ने, दो और इतिहासकार हमारे यहां के, एक का नाम था व्हीलर और दूसरे का नाम था इतावली। व्हीलर तथा इतावली ने देवी धुरा से प्राप्त होने वाले इन समाधानों को, यानी इन डेड बॉडीज को, व्हीलर तथा इतावली ने देवी धुरा से प्राप्त होने वाले इन डेड बॉडीज को महापाषाण कालीन बताया है। कब का बताया? महापाषाण कालीन। एक और प्रश्न ऐड हो गया, यही इतिहास है भाई। या तो प्रश्न आएगा बहुत आसान जो सबको आता होगा, या फिर प्रश्न आएगा जो किसी को नहीं आता होगा। इसे समझना कि इतिहास है बहुत खतरनाक चीज है, याद रखना। प्रश्न एक और बढ़ गया, अगर प्रश्न ये पूछा जाए उत्तराखंड में महापाषाण कालीन समाधानों की खोज किस वर्ष करी गई, तो भी फिर आंसर होगा 1856 में महापाषाण कालीन समाधानों की खोज करी गई। अब जो पाषाण काल था, पाषाण काल एक ऐसे कालखंड को कहा गया जब आदि मानव यहां पर रहता था और उसने सिर्फ पत्थर का प्रयोग किया था, तो उस पाषाण काल को भी आप तीन भागों में बांटते हो। एक को बोलते हो पूर्व पाषाण काल, एक को बोलते हो मध्य पाषाण काल, और एक को बोलते हो नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल को ही जनरली महापाषाण काल कहा जाता है। तो अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि उत्तराखंड में पूर्व पाषाण काल में कोई रहता होगा, कोई प्रमाण नहीं मिला। ऐसा भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है जिसमें आप ये कहेंगे यहां से, हाँ समाधानों से, कि मध्य पाषाण काल में कोई रहता होगा। चित्रों के आधार पर कहेंगे वो बात अलग है, लेकिन महापाषाण काल के समाधानों को ढूंढने वाला व्यक्ति कौन था? डब्ल्यू जे हैनवुड था, और डब्ल्यू जे हैनवुड के द्वारा सबसे पहले देवी धुरा का उत्खनन कार्य किया गया, वहां से कुछ समाधान निकाले गए, और वो समाधान कब के थे? महापाषाण काल के थे। महापाषाण कालीन समाधानों की खोज किसने करी थी? डब्ल्यू जे हैनवुड। किस वर्ष करी थी? 1856 ईस्वी के अंदर, 1856 ये सारी की सारी खोज करी गई। हमारे राज्य के अंदर जितने भी समाधान प्राप्त होते हैं, जितने भी समाधान राज्य के अंदर प्राप्त होते हैं, उन समाधानों में पहले समाधान थे जो देवी धुरा से प्राप्त होते हैं, और राज्य के अंदर प्राप्त होने वाले कुछ और समाधान भी है जो कि आपको राम गंगा घाटी से प्राप्त होते हैं। राम गंगा घाटी, किस राम गंगा घाटी की हम लोग बात कर रहे हैं? तो फिर याद रखना राम गंगा दो है हमारे पास, एक है पूर्वी राम गंगा और एक है पश्चिमी राम गंगा। पश्चिमी राम गंगा नदी पौड़ी कालीमाटी से निकलते हुए फिर आपके अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से होते होते फिर आपकी जो है कालागढ़ बांध से और राज्य से बाहर निकल जाएगी। और एक आपकी पूर्वी राम गंगा, कौन सी? नामिक ग्लेशियर वाली पूर्वी राम गंगा, जो कि किसकी सहायक नदी है पूर्वी राम गंगा? काली की, सरयू की, सरयू की सहायक नदी है रामगंगा। हम बात पूर्वी रामगंगा की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी से, यानी कि पौड़ी गढ़वाल
अल्मोड़ा, नैनीताल, इस क्षेत्र से हमें कुछ समाधान प्राप्त होते हैं। जरा ध्यान रखना यहां पर दो चीजों को, एक तो रामगंगा घाटी से प्राप्त होने वाले मानव के जो कंकाल मिले हैं वो बाकी उत्तराखंड से प्राप्त होने वाले मानव कंकालों से अलग है, बिल्कुल अलग है, एक बात। और दूसरी बात, रामगंगा घाटी से प्राप्त होने वाले जो अधिकांशतया समाधान है वो अल्मोड़ा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं तो क्या कहेंगे, ठीक, इसलिए याद रखना। अच्छा, और इस पर कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। कुछ डेड बॉडीज तो और जगह से मिलती है, देवीदुरा से, मलारी गांव से, चमोली गढ़वाल, गोरखा उडियार, बहुत सारी जगह से मिलते हैं, लेकिन कुछ डेड बॉडीज ऐसी हैं जो आपको रामगंगा घाटी से मिलती है। रामगंगा घाटी से मिलने वाली जो डेड बॉडीज है उनकी खासियत क्या है, उनकी विशेषता यह है कि वो बाकी की डेड बॉडीज से अलग है, पूर्णतया भिन्न है। अगर आपका जो हाथ है वो 2 फीट का है तो यहां से मिलने वाली डेड बॉडी का हाथ 8 फीट का है, है ना। तुम्हारे पास 9 नंबर का जूता आता है तो इनके पास 25 नंबर का जूता आता है, मतलब बड़े बड़े कंकाल मिले, छोटे छोटे नहीं मिले, बड़े बड़े। तो ढंग से देखा उसको इन्होंने, तो इन्होंने कहा है तो आदमी, लग तो आदमी रहा है, से नाक मुंह टाइप का लग तो आदमी रहा है, पर ऐसा कैसा आदमी यार भाई, खली भी छोटा पड़ जाए जिनके साथ, इस प्रकार के कंकाल मिले। तो अंदाजा लगाया इन्होंने कि ये जो कंकाल तंत्र आपको राम गंगा घाटी से मिल रहे हैं वो मानव के नहीं है, वो आदि मानव के हैं, और उत्तराखंड में कहीं से भी आदि मानव के कंकाल नहीं मिलते सिवाय कहां के, और अल्मोड़ा से इतने ज्यादा चित्र मिलते हैं हमको, गुफा चित्र इतने सारे मिल जाते हैं, लुईथा, लाखूडियार, ये गुफा वो गुफा। इन सब चीजों के आधार पर एक स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूं, और याद रखना है उसको, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र कहा जाता है किसको, तो लिखेंगे अल्मोड़ा को। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र अल्मोड़ा को कहा जाता है, प्रागैतिहासिक कला का केंद्र किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है। कारण यहां पर मिलने वाले समाधान सर्वथा भिन्न थे, बिल्कुल डिफरेंट थे, और वो बहुत सारी चीजें। तो रामगंगा घाटी, इसके अंदर भी अल्मोड़ा। एक और स्टेटमेंट लिखोगे, रामगंगा घाटी से कुछ डेड बॉडीज मिली थी ना, और हमने कहा था किसकी है, आदि मानव की। और आदि मानव में सबसे पहला जो आदि मानव जिसने भारत में जन्म लिया था उसको नाम दिया गया था रामापिथिकस, इतिहासकारों का कि रामगंगा घाटी से आपको रामापिथिकस के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक। चलो वापिस आ जाओ, 1856, आदमी का नाम डब्ल्यू जे हैनवुड, सबसे पहला आदमी है जो प्रागैतिहासिक काल के खोज करता है, पुरातत्व का जनक कहते व्हीलर और इतावली ने विश्लेषण किया, और महापाषाण काल के डेड बॉडीज किसने ढूंढ के निकाले थे, डब्ल्यू जे हैनवुड, इसी को हम प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता या पुरातत्व का जनक कहते हैं, ठीक। और कब ये खोज हुई थी, 1856 से लेके 1956 इतिहास में कोई विशेष खोज नहीं हुई स्पेशली समाधानों को लेकर के। 1956 क्योंकि देश आजाद हो चुका था, और आजादी के बाद आप जानते होंगे कि जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद सबसे पहला जो काम किया गया इतिहास को लेकर के वो ये था कि अब इतिहास को भारतीय परंपरा के अनुसार लिखा जाए, क्योंकि दिक्कत हो गई थी, अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास की भारतीय परंपराओं को हटा करके और अंग्रेजी विचारधारा के हिसाब से उन्होंने इतिहास लिखना प्रारंभ किया था। माने आप गांव के अंदर रहते हैं और गांव में रह करके तुम्हारे यहां कोई यात्रा निकाली जाती है, तुम्हारे यहां पर कोई यात्रा, चलो यात्रा भी छोड़ो, कल को त्यौहार पड़ रहे थे, अब हमारे हिसाब से भाई एक त्यौहार है, हमने कहा उत्तरायण या फिर मकरायण या घुघुतिया त्यौहार हम लोग मनाते, अब अंग्रेज हमारे यहां पर आएगा और कोई अंग्रेज व्यक्ति अगर हमारा इतिहास लिखना चाहेगा तो वो घुघुतिया मकरायण या फिर उत्तरायण त्यौहार को लॉजिकल मानेगा क्या, नहीं, वो मना कर देगा, वो बोलेगा कि कोई किस चीज क्यों मनाते हैं, हमने कहा एक छोटा सा बच्चा था वो खो गया था और तो कवा आया, कवा ने बताया कि ये लड़का यहाँ पे है, तो बोले यार भाई पागल बना रहा यार तू क्या बात कर रहा ना, उन्होंने कहा भाई ये होता ही नहीं त्यौहार, तो उसकी परंपरा के हिसाब से उसकी विचारधारा के हिसाब से वह त्यौहार नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा भारतीय विचारधारा के हिसाब से वह त्यौहार है। तो अब क्या किया गया, स्वतंत्रता के बाद इतिहास को भारतीय परंपरा के अनुसार लिखा गया, क्या दिक्कत हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं जरा समझना। व्हीलर और इतावली को जो डेड बॉडीज मिली थी उन डेड बॉडीज का विश्लेषण उन्होंने अंग्रेजी विचारधारा से तो किया होगा ना, अगर उनको कोई डेड बॉडी मिली होगी और उस डेड बॉडी का मान लो उनको कान मिल गया, जैसे सपोज दैट उनको नाक मिल गया, उसका आदमी है, उन्होंने बोला हाँ है तो आदमी, और उस आदमी के नाक में मान लो छेद हो रखा है,
तो अंग्रेज अपनी विचारधारा के हिसाब से क्या लिख देंगे किताब में कि इसके नाक में चोट लगी हुई है, ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल सी बात। अब कोई भारतीय आदमी है, उत्तराखंड का है, कोई पहाड़ी आदमी है, वो देखेगा उसके नाक में छेद है तो वो कहेगा फुल्ली पहन रखी होगी इसने, वो तो कहेगी भाई इसने फुल्ली पहन रखी होगी, पहले के जमाने तो लड़के भी पहनते थे फुल्ली, ऐसा नहीं है, गोरख आभूषण है ना, कान का झुमका तो लड़के भी पहनते थे, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो अपनी विचारधारा से लिखेगा, वो अपनी विचारधारा से लिखेगा, क्योंकि अब देश स्वतंत्र हो गया था, तो स्वतंत्रता के बाद प्रागैतिहासिक इतिहास का पता लगाने का जिम्मा शिव प्रसाद डबराल चारण ने लिया। पहला उत्खनन किसने किया था? डब्ल्यू जे हेनवुड, और 1956 में उत्खनन का कार्य किया शिव प्रसाद डबराल चारण ने। तो क्या लिखोगे, 1956 में शिव प्रसाद डबराल, इनको चारण कहते क्योंकि ये घूमता रहता था, चरते रहता था इधर उधर ना, तो चारण कहते इसको। 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा चमोली गढ़वाल के अंदर मलारी नामक गांव का उत्खनन कार्य किया गया। मलारी गांव का उत्खनन कार्य किया गया चमोली गढ़वाल के अंदर स्थित इस मलारी गांव को उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक गांव कहा जाता है, क्योंकि जितनी चीजें आपको मलारी गांव से मिलती है कहीं से भी उतनी चीजें प्राप्त नहीं होती है। 1956 शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा चमोली गढ़वाल के मलारी गांव का उत्खनन कार्य किया गया, जहां आपदा आई है अभी, उस आपदा के ठीक पास में ही स्थित है गांव, धौली गंगा घाटी में ही स्थित गांव है मलारी गांव। ऋषि गंगा और धौली गंगा का संगम कहां पर होता है? रैणी गांव में, और धौली गंगा के साथ गिरसीगाड़ नाम की नदी मिल जाती है मलारी गांव, यानी मलारी गांव संगम है किस किस का? तब आप कहेंगे धौली गंगा, पढ़ रखा है कुछ दिन पहले, धौली गंगा और गिरसीगाड़, धौली गंगा और गिरसीगाड़ या गिरसीगंगा, इनके संगम पर चमोली में स्थित एक गांव है और उस गांव का नाम होता है मलारी गांव, और ये मलारी गांव उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक गांव के रूप में फेमस होता है, प्री हिस्टोरिकल विलेज ऐसा कहते हैं इसको उत्तराखंड, क्योंकि उत्खनन में जितनी चीजें आपको यहां से मिली है उतनी चीजें कहीं से प्राप्त नहीं होती है। और किसने मलारी गांव का उत्खनन कार्य करवाया था? शिव प्रसाद डबराल चारण ने। कब कराया था? तो याद रखने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां 1856 है या 1956 है, 100 साल के बाद 1956 में। अब देखो जरा, शिव प्रसाद डबराल चारण को यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? डेड बॉडीज तो मिली ही मिली है, डेड बॉडीज का स्टेटमेंट तो लास्ट में लिख देंगे, लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीजें? परीक्षावाणी में पहला ही प्रश्न लिखा होता है 5.2 केजी, 5.5 किलो का स्वर्ण मुखोटा इनको यहां से प्राप्त हो गया, 5.5 किलो का स्वर्ण मुखोटा। क्यों ऐसे प्रश्न हम लिख लेते हैं कि 5.5 किलो का स्वर्ण मुखोटा? सोने का मुखोटा है वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितने किलो का है? तुम पहन सकते 5.5 किलो का सर पे, कोई आदमी कभी टोपी देखा किसी को पहनते हो? मुकुट पहनते, रामलीला वाला मुकुट भी ग्राम में रहता, वो गत्ते का रहता है बना रखा। 5.5 किलो का सोने का मुखोटा पहनने वाला जो आदमी होगा उसका सर भी तो वैसे ही होगा ना, फिर 5.5 किलो सोने का मुखोटा उसने सर पे पहना हुआ है, यानी ये हम जैसे तुम जैसे लोगों का तो नहीं होगा ना, ये चंद पंवार राजाओं को तो नहीं होगा ना, 5.5 किलो का मुखोटा पहन के युद्ध में जाएगा राजा, एक झटका लगा तो राजा गिरेगा उस साइड को ना, युद्ध में अगर हल्का इधर झटका लगा ना तो मुखोटे का साथ जाएगा उधर, तो हमारा तो नहीं है, मतलब कम से कम इतना है कि हम तुम जैसे जो लोग हैं हमारा तो नहीं है, 13वीं 14वीं 15वीं 2री 3री शताब्दी के किसी व्यक्ति का तो नहीं है। किसका होगा? उसी का होगा जो आदिमाना होगा, 12-25 नंबर का जूता वाला, उसी का होगा भाई मुखोटा, उसी का तो होगा 5.5 किलो का सोने का मुखोटा। तो बोला कि ये ऐतिहासिक कालखंड का तो नहीं है, कब का है? पीछे का ही होगा, तो प्रागैतिहासिक काल का। तो सबसे पहली चीज मिलती है, कई बार ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा 5.5 किलो के सोने का मुखोटा, एक चीज। दूसरी चीज, मलारी गांव के उत्खनन में शिव प्रसाद डबराल चारण को जो दूसरी चीज मिली, एक पशु का मिला, बल कंकाल, पशु का कंकाल। तो पशु का जब आपको कंकाल मिलेगा तो अंदाजा लगाएंगे ना क्या है, मतलब कोई कौन सी चीज है, हड्डी थोड़ी गलेगी, हड्डी तो वैसी रहेगी, तो देख के अंदाजा लगता है कि क्या है, कि गाय है भैंस है। तो उन्होंने ना डिक्शनरी की ऐसी ऐसी किताबें छान मारी, पर उनको वो पशु ही नहीं मिला, गाय भी नहीं था, भैंस भी नहीं था, बकरी भी नहीं था, गेंडा भी नहीं था, शेर भी नहीं था, हाथी भी नहीं था, कोई कस्तूरी मृग भी नहीं था, कोई था ही नहीं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, इस पशु का नाम हम ही दे देते हैं, पशुओं को नाम हमने तो दिया होगा ना, मानव है तो फिर सब सारे के सारे नाम। वो हिंदी वाले मास्टर एक दिन पढ़ा रहे थे ना, हिंदी तो मेरे को आता नहीं, तो मैंने मास्टर को बोला कि यार संज्ञा पढ़ा दे, मेरे दिमाग में बैठा भी नहीं भाई संज्ञा, बहुत देर तक पढ़ाया उसने, मेरे को समझ में भी नहीं आता। उसने बोला कि दुनिया में प्रत्येक नाम संज्ञा है, जिसका भी नाम है वो सारी चीज संज्ञा है। तब मेरे को समझ में आ गया कि संज्ञा माने जिसका भी कुछ ना कुछ नाम है, और नाम उसी का तो है जहां मानव पहुंचा है ना। एक जानवर, उसको पहली बार दादा परदादा किसी ने कहा होगा कि इसको कुत्ता बोलेंगे, तब से उसको कुत्ता ही बोलते हैं, कुत्ता ही। अगर उस दिन उसको पापा बोल देते तो उसका नाम पापा ही होता, कॉमन सी बात है ना, उसको कुत्ता बोला तो कुत्ता ही है, और मतलब शुरू में उसको पापा बोल देते तो फिर पापा ही होता उसका नाम, जो नाम हमने रखा वही नाम प्रचलन में। तो क्योंकि उस पशु का नाम ही नहीं मिला कुछ, तो फिर इन्होंने खुद से उसको नाम दे दिया,
और नाम रखा गया जुबू। तो क्या लिखोगे? हिमालयी पशु जुबू के कंकाल यहां से प्राप्त होते हैं। हिमालयी पशु जुबू के कंकाल किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तब भी आप कहोगे मलारी गांव से ही प्राप्त होते। मलारी गांव से ही हिमालयी पशु जुबू के कंकाल प्राप्त होते। 5.5 किलो का स्वर्ण मुखोटा किस स्थान से प्राप्त हुआ? मलारी गांव से। हिमालयी पशु जुबू के कंकाल कहां से प्राप्त हुए? तीसरा चीज, इसी मलारी गांव से तीसरी जो चीज प्राप्त हुई है उसको बोला गया है कुतुब। अब कुतुब क्या होता है पहले इसको समझो। कुतुब, कुतुब का मतलब होता है कुप्पी। अब कुप्पी तुम तभी जानते हो अगर गांव के पहाड़ी होंगे जो ना कुप्पी, हाँ तेल की होती कुप्पी। अब ये कुप्पी बहुत जरूरी थी भाई, पहले के टाइम पे लोग बहुत दूर दूर की यात्रा करते थे और दूर दूर की यात्रा करते समय जो है सबसे जरूरी चीज जो अपने पास रखनी वो पानी है। तो आदमी को पानी तो कैरी करना ही होता था। तो पानी पे आज वाला तो बिस्लेरी पे ले जा लेगा, पहले वाला आदमी पानी किस पे ले जाएगा? वो बड़ी सोचने वाला, ऐसा नहीं कि बंटा लेके चल रहा आदमी, ऐसा भी नहीं कि चल गागर ही लेके चलता, तो कहां तक ले जाएगा गागर? ना व्यापार करने जा रहा है, 5-5 साल में आते थे। तो ऐसे समय पर वो अपने पास पानी के लिए एक बर्तन रखते थे। वो बर्तन क्या होता था? वो चमड़े का एक खाल, जैसे कोई जानवर है, जानवर मर गया तो उस जानवर की खाल से जो एक कुप्पी बना देते थे, जिसपे गांव में मिट्टी तेल वगैरह लेके आते ना, ऐसे रहते ना कुप्पी, मतलब मिट्टी तेल की रहती है जनरली कुप्पी, ऐसा रहता है। तो आज तो ये प्लास्टिक का बना होता है, जेरकिन बोलते इसको, तेल लाते 5 लीटर का तेल, आज आप इसको प्लास्टिक का बना देते हो। पहले के जमाने में जो है इसको चमड़े का बनाया जाता था, इसको कुतुब कहते हैं। तो एक कुतुब मिलता है, कुतुब कोई बड़ी बात नहीं है, कुतुब कोई बड़ी बात नहीं कि आपको वहां से कुतुब मिलता है, लेकिन कुतुब पर एक पक्षी का चित्र बनाया हुआ था। शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा यह चित्र मोनाल का है, मोनाल, और मोनाल हमारा राज्य पक्षी। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखोगे? मोनाल पक्षी का चित्रण किया हुआ कुतुब, मोनाल पक्षी का चित्रण किया हुआ, मोनाल पक्षी का चित्रण किया हुआ कुतुब, यह भी आपको मलारी गांव के उत्खनन कार्य से प्राप्त होता है। मलारी गांव के उत्खनन कार्य से प्राप्त होता है। और सारी चीजें किसने प्राप्त करी है? शिव प्रसाद डबराल चारण ने। शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा मलारी गांव के उत्खनन कार्य से 5.5 किलो का स्वर्ण मुखोटा, हिमालयी पशु जिसको नाम दिया गया जुबू, और इसके अलावा क्या प्राप्त हुआ है? कुतुब, कुतुब मतलब कुप्पी, ये प्राप्त होता है। अगर कभी कुतुब ना पूछे, ये पूछे कि मोनाल पक्षी का चित्र प्रागैतिहासिक काल में कहां से प्राप्त हुआ है, तो भी आप कहेंगे हाँ। अच्छा, जब प्रागैतिहासिक काल रहा होगा ना, तो आदमी तो हम जैसा नहीं था, इतना तो पक्का है। तुम्हारे हम बहुत छोटे हो गए उनकी तुलना में, पहले वाले बड़े बड़े होते थे, लंबे लंबे। आज से 3-4 पीढ़ी पहले भी जाओगे तो भी फिर लोग बड़े बड़े होते थे। एक था राणा सांगा, राणा सांगा के लिए कहते भाई 80 किलो का तो भाला ही होता था ना, तो 80 किलो का हम टोटल नहीं है, कारकी जी को छोड़ दो, तो बाकी हम 80 किलो का तो है नहीं, हम कहा 80 किलो खुल का वजन नहीं है, तो 80 किलो का भाला थोड़ी उठाएंगे। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब का रहता होगा। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मानव की जो हाइट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो पहले के जमाने के जितने भी लोग थे वो थोड़ा सा बड़े होते थे अपेक्षाकृत, पर क्या जानवर रहते होंगे उस समय? होता तो होगा ही ना जानवर, हो सकता है जानवरों का स्वरूप अलग होता होगा उस टाइम, बोलते डायनासोर होता था, ये होता था, ऐसा। अब इनको कुछ जीवों के अवशेष वहां से प्राप्त होते, कुछ जीव वहां से प्राप्त होते हैं, और वो जो जीव थे, शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा कि ये जीव ऐसे तो नहीं लग रहे हैं कि जो हिमालय में पाए जाए। उन जीवों के अवशेष में, मतलब उनकी जो हड्डियां थी, उनकी जो हड्डियां थी, जीव तो जीव है ना, चाहे तुम हो चाहे हम है, सब पे प्राण है, तुम पे भी, हम पे भी, सब पे प्राण है। तो जीवों की हड्डियों को देख करके हम अंदाजा लगा सकते ना कि जीव कैसा है, थल में रहने वाला है, जल में रहने वाला है, कहां का है। अब शिव प्रसाद डबराल चारण को कुछ जीव वहां से प्राप्त होते, और उन जीवों के जो अवशेष थे, मतलब उनकी जो हड्डियां थी, वो हड्डियां उन जीवों से मैच कर रही थी जो जीव समुद्र में रहते। और ये बड़ी विवादित बात थी, उत्तराखंड में समुद्र कहां से आए? समुद्र में रहने वाले जीव अलग होते ना, समुद्र तो हमारे गांव में भी है, एक भयंकर है समुद्र, वो भी टीरी झील बोलते उसको। पर उस टीरी झील में क्या किया इन्होंने? बोला टीरी झील में मगरमच्छ पालते। बोला जब वो टीरी की झील बनी ना, तब वहां 7-8 मगरमच्छ लेके आए, तो उन्होंने उधर डाल दिए वो टीरी झील में 8-10 मगरमच्छ। उनको खाना खोना खिलाते थे, वो 5-5, 6-6 दिन में मरते रहे, वो उनको डालते रहे, वो मरते रहे, वो बच ही नहीं पाएंगे। क्यों? आप मीठे पानी के स्रोत में मगरमच्छ थोड़े ही रख सकते हो ना। उत्तराखंड में कभी मगरमच्छ हो सकते क्या? नहीं हो सकते। स्पेशली आपने घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो बात अलग है। लेकिन समुद्र में रहने वाला जीव समुद्र में ही रहेगा, और नदी में रहने वाला जीव नदी में ही रहेगा, और जो बाहर रहते वो बाहर ही रहेगा। लेकिन आपको मलारी गांव के उत्खनन से कुछ ऐसे जीव प्राप्त हो रहे हैं जिनको शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा कि ये जीव है समुद्री जीव। बड़ा प्रश्न बन सकता है बड़े पेपर के लिए, याद रखना, इंडियन हिस्ट्री को कनेक्ट करना, इंडियन ज्योग्राफी को कनेक्ट करना, आराम से प्रश्न निकल जाएगा। इन्होंने कहा कि चमोली गढ़वाल के मलारी गांव में हमें कुछ ऐसे जीव प्राप्त हुए जो संभवतः समुद्री जीव है। तो समुद्री जीव है तो समुद्र भी रहा होगा। तो चारण ने कहा यहां पर किसी जमाने कोई समुद्र रहा होगा, और यह समुद्र वही है जिसको कभी हम टेथी सागर के नाम से जानते। तो दो बातों से प्रश्न बनाना, पहला लिखना समुद्री जीवों के अवशेष,
समुद्री जीवों के अवशेष, और ब्रैकेट में लिखना टेथी सागर के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं इसी मलारी गांव से। समुद्री जीवों के अवशेष उत्तराखंड में किस स्थान से प्राप्त होते हैं? समुद्री जीवों के अवशेष, समुद्री जीवों के अवशेष या फिर टेथी सागर के प्रमाण। शिव प्रसाद डबराल चारण ने 1956 में कहा कि टेथी सागर का प्रमाण मुझे मिला है, यानी इस स्थान पर। ऐसी मान्यता है ना हमारी, ऐसे ही मानते गोंडवाना लैंड और ये दो प्लेटें आपस में टकराई, बीच में टेथी सागर होता था। तो इस टेथी सागर के प्रमाण उत्तराखंड में किस स्थान से प्राप्त होते, तब क्या कहोगे? मलारी गांव। समुद्री जीवों के भी अवशेष कहां से प्राप्त होते? मलारी गांव से। चलो आगे चलो, अश्वकंकाल। अश्वकंकाल, अश्वकंकाल का मतलब है घोड़े के कंकाल मिलते, यानी अश्वपालक संस्कृति के प्रमाण भी आपको मलारी गांव से प्राप्त होते। ठीक, और इतना सारा चीज मिलने के बाद फिर उसको एक तो मानव का कंकाल भी मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस बात है। इतने सारे अश्व मिल गए, समुद्री जीव मिल गए, तो मानव मिलना बहुत ऑब्वियस बात है। अब जरा समझना, हेनवुड को जो समाधान मिले थे वो समाधान किस काल के थे, और शिव प्रसाद डबराल चारण को प्राप्त होने वाले जो कंकाल थे, जो आदमी वाले कंकाल थे, उन कंकालों में उसने देखा कि कुछ कंकाल ऐसे हैं जिनका सिर दक्षिण दिशा की तरफ है, किसी को पश्चिम की तरफ सर, पूर्व की तरफ पैर। कुछ ऐसे कंकाल थे जिन कंकालों में कंकालों के साथ जो है उनके आभूषणों को दफनाया गया था। कुछ जगह ऐसे थे जहां पर स्त्री पुरुषों को साथ में दफनाया गया था। कुछ ऐसे कंकाल थे जहां पर घुटनों के बल मोड़ करके उनको दफनाया गया था। इन सारे प्रमाणों से आपको इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 याद आ जाएगा, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में भी तो यही रिवाज था ना, आदमियों को वहां पर इसी प्रकार दफनाया जाता था कि आदमी को औरत के साथ युगल समाधान मिलते, आदमी को उसके गहनों के साथ, कुत्तों के साथ, या फिर पूर्व की तरफ सर, पश्चिम की तरफ। इस आधार पर शिव प्रसाद डबराल चारण ने एक स्टेटमेंट लिया, और लिखना उस स्टेटमेंट को, शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार, यानी सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना, मलारी गांव से सैंधवकालीन समाधानों की खोज शिव प्रसाद डबराल चारण ने करी। सैंधवकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के भी प्रमाण आपको मलारी गांव से प्राप्त होते हैं। सैंधवकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के भी प्रमाण आपको मलारी गांव से प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड में सैंधवकालीन संस्कृति के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो क्या कहोगे? मलारी गांव से। 1956 में सैंधवकालीन संस्कृति के प्रमाण, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के प्रमाण शिव प्रसाद डबराल चारण ढूंढ करके निकालते हैं, और कहां से? मलारी गांव के उत्खनन कार्य से। ये कुछ चीजें हैं जो आपको मलारी गांव से मिल रही है। तो एट लास्ट समाधानों के आधार पर दो चीजों का रिजल्ट निकलता है, और समाधानों के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में महापाषाण काल यानी नवपाषाण काल में सभ्यता का अस्तित्व था, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी यहां पर कोई ना कोई लोग रह रहे होंगे। कैसे थे, क्या थे, इसका कोई पता नहीं, लेकिन अगर प्रश्न आता है महापाषाणकालीन संस्कृति का प्रमाण, तब कहेंगे WJ हेनवुड, और प्रश्न आता है सैंधवकालीन संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण, तो आंसर देंगे कौन? शिव प्रसाद डबराल चारण 1956 और 1856, दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा याद रखना। चलो नेक्स्ट पर चलते, अब आ जाओ केव पेंटिस गुफा चित्र। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछता है, गुफा चित्र। अब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक इतिहास यहां से भी पता करेंगे। केव पेंटिंग्स यानी कि गुफा चित्र, गुफाओं में बनाए गए कुछ ऐसे चित्र कि जब हम तुम उनको देखेंगे तो हमको लगेगा चित्र है भी कि क्या है, मतलब ना ऐसे इग्नोर कर देंगे, ऐसे चित्र, उन चित्रों की बात करें। ऐसा नहीं कि शिव पार्वती का बढ़िया वाला चित्र बना रखा है, सेल्फी खींच रहे उसके बगल में, वो वाला नहीं। ऐसे चित्र मैंने देख के लग रहा है कि चीज क्या है भाई ना, जैसे एक आधे चित्र में बना देता हूं इधर पे, एक चित्र जो आपको प्राप्त होते हैं, ये वाला लाखू उडियार से मिलता है ऐसा। तो ये वाला क्या है बताओ तो जरा, ये क्या है? ये आदमी का चित्र है, आदमी। वहां तब हम लिखते समूह में नृत्य करते हुए लोग, ये है नृत्य करता वाला लोग। तुमने हमने तो नहीं बनाए होंगे ना, मतलब बहुत बेकार, मेरे से बराबर कला भी किसी की बेकार तो नहीं कर, मैं 33 भी नहीं आते थे भाई मेरे, तो कला में मेरे 33 भी नहीं आए। 15-16 मास्टर को हाथ पैर जोड़ के बोला पास तो कर देना, 7वीं 8वीं जब तक कला थी, पर मुझे भी इतना वाला तो आ ही जाता, मुझे ऐसा तो बना ही दूंगा मैं भी चित्र, नाक भी थोड़ा तुम्हारा भाई बना ही देगा ऐसा करके, ऐसे तो बना ही देंगे ना, ये तो है ना, थोड़ा ऊंट भी बना, दांत भी बना ही देंगे, इतना तो बनाते अगर हम तुमने बनाया होता ना, तो इतना तो बना ही देते। कौन सी बात हुई यार भाई, ऐसा आदमी कौन बनाता ना, ऐसा आदमी
हम तुम तो नहीं बनाते, तो ऐसा आदमी वही बनाता होगा जो आदमी हमारे जैसा होगा ही नहीं, यानी आदि मानव ही बनाता होगा। तो ऐसे कुछ चित्र जो हमें प्राप्त होते हैं गुफाओं के अंदर बने हुए, उन चित्रों की बात करते हैं, उनको बोलते हैं गुफा चित्र। समाधानों की पहली खोज W.J. हेनवुड के द्वारा करी गई, और गुफा चित्रों में सबसे पहली खोज हमारे राज्य के अंदर जो होती है उसे कहते हैं लाखू उडियार की गुफा चित्र। लाखू उडियार, उडियार मतलब होता है गुफा, लाखू मतलब कहा जाता है वहां पर लाखों गुफाएं किसी जमाने में, लाख क्या है वो कहावत है एक हिसाब की। लाखू उडियार कहां पर है? लाखू उडियार अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा, हाँ किस, ठीक बोला तुमने, किस नदी के किनारे? सुयाल नदी के किनारे। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर लाखू उडियार नाम के कुछ उडियार है, और वहां से आपको कुछ गुफा चित्र प्राप्त होते हैं, और ये गुफा चित्र, ये केव पेंटिंग्स गुफा चित्रों की प्रथम खोज है। समाधानों की प्रथम खोज तो ऑलरेडी कर चुके, लेकिन गुफा चित्रों की प्रथम खोज लाखू उडियार के ही गुफा चित्र है। कब ये गुफा चित्र प्राप्त होते हैं? तो किधर किधर 63 भी लिखा होता है, लेकिन प्रामाणिकता थोड़ा सा ज्यादा 68 को रखना, ना है ऑप्शन में 68 तब कभी 1963 आंसर दे देना, अदरवाइज 1968 ईस्वी के अंदर 1968 में खोज करी गई लाखू उडियार के गुफा चित्रों की। और लाखू उडियार के गुफा चित्रों की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है एम पी जोशी। वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले लाखू उडियार के गुफा चित्रों का पता लगाया था 1968। ऑप्शन में ना हो 68 तो 63 भी ध्यान रखना, पर थोड़ा सा प्रामाणिकता ज्यादा 68 की लगती है। 1968 में एम पी जोशी के द्वारा लाखू उडियार में सुयाल नदी के तट पर कुछ गुफा चित्र ढूंढे गए हैं, और ये गुफा चित्र उत्तराखंड से प्राप्त होने वाले प्रथम गुफा चित्र है। सबसे पहले जो चित्र मिलते हैं हमें गुफा चित्रों की प्रथम खोज, तो आप कहेंगे लाखू उडियार के गुफा चित्र। एम पी जोशी ने खुद भी एक किताब भी लिखी है, इनकी बुक भी याद रखना, जिस किताब से हमें ये पता चलता है। इनकी किताब का नाम है केव पेंटिंग्स इन कुमाऊं के गुफा चित्र। इस पुस्तक के राइटर कौन है? तब कहेंगे एम पी जोशी। केव पेंटिंग्स इन कुमाऊं, तो केव पेंटिंग्स इन कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक एम पी जोशी है। उत्तराखंड में गुफा चित्रों की प्रथम खोज लाखू उडियार के गुफा चित्रों को माना जाता है, और लाखू उडियार से प्राप्त होने वाले ये जो गुफा चित्र है किसके द्वारा ढूंढे गए? एम पी जोशी के द्वारा। कब ढूंढे गए? 1968 में, और इनके द्वारा लिखी गई किताब है केव पेंटिंग्स इन कुमाऊं। ये गुफा चित्रों की प्रथम खोज। जैसे डेड बॉडीज मिली थी, तो डेड बॉडीज को कब का बताया था? महापाषाण काल के। तो ऐसे ही याद रखना, लाखू उडियार से प्राप्त होने वाले ये जो गुफा चित्र है, इन गुफा चित्रों को एम पी जोशी ने मध्य पाषाण काल का बताया। तो मध्य पाषाण काल के प्रागैतिहासिक प्रमाण किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तब आप कहेंगे लाखू उडियार से प्राप्त होते हैं। महापाषाण काल के देवीधुरा, सिंधु घाटी सभ्यता के मलारी से, और मध्य पाषाण काल के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? तब कहेंगे लाखू उडियार की इस गुफा से प्राप्त होते हैं। चलो अब आओ चित्रों की विशेषता पर। क्या क्या चित्र है यहां पर लाखू उडियार से प्राप्त होने वाले चित्रों की विशेषता? तो पहला पॉइंट लिखना इसमें लाखू उडियार से प्राप्त होने वाले चित्रों की विशेषता। तो पहला पॉइंट लिखना, इन चित्रों में लाखू उडियार से प्राप्त होने वाले इन चित्रों में समूहबद्ध नृत्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है। समूहबद्ध नृत्य, सब लोग एक ग्रुप में है, पता नहीं कैसे दिखाया, चित्र तो ऐसे थे उनके अजीब से ना, समूहबद्ध नृत्य करते हुए कुछ लोगों के चित्र, समूहबद्ध नृत्य करते हुए कुछ लोगों के चित्र जो है वो आपको कहां से मिलते? लाखू उडियार की गुफा से समूहबद्ध नृत्य करते हुए कुछ लोगों के चित्र आपको दिखाए गए हैं। दूसरा अलंकारिक आलेखन, इन चित्रों की दूसरी विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे अलंकारिक आलेखन का मतलब समझते हो? अलंकारिक आलेखन का मतलब साड़ी का किनारा, स्कूल में बनाते साड़ी का किनारा, तो वो साड़ी का किनारा बनाते थे ना जैसे स्कूल में, अब वाले पता नहीं तुमने बनाया नहीं बनाया, हम तो बनाते थे छोटा में ना, इसे डब्बा बनाना था और तो ऐसा करके इसे फूल पत्ती बढ़िया ढंग से ना, तब टिपकी यहाँ भी लगाते थे बढ़िया ढंग से, मैंने हमारा चित्र तब भी नंबर आते नहीं थे, तब भी फेल होते थे ना, तो आता नहीं था हमें अलंकारिक आलेखन, आता तो था नहीं। अलंकारिक आलेखन का मतलब है चित्रों पर अलंकृत करना, उन चित्रों को कई प्रकार के रंगों का प्रयोग करना, उसको आप अलंकारिक आलेखन कहते हो। तीसरी विशेषता लिखना, इनमें यूज होने वाले कलर,
जो रंग प्रयोग किए जाते हैं और रंगों से आपको कई बार जो है डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लेता है। तो क्या लिखोगे? गुलाबी, 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 सिंदूरी, गुलाबी, सिंदूरी, सफेद और काले रंग का प्रयोग, गुलाबी, सिंदूरी, सफेद और काले रंग का प्रयोग इस गुफा के चित्रों में देखने को मिलता है। ठीक, गुलाबी, सफेद, काला और सिंदूरी इस रंग के चित्र ये बनाए गए। कुछ चित्र लाल रंग में है, कुछ चित्र गुलाबी रंग में है, कुछ सिंदूरी रंग में, अलग अलग रंगों में जो है आपको चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही एक लाइन लिखोगे, लाखू उड्यार के गुफा चित्रों से लाल रंग की लिखावट प्राप्त हुई है। लिखावा मिला है लेकिन लेकिन पढ़ नहीं पाए उसको। लाल रंग की लिखावट भी लाखू उड्यार के गुफा चित्रों से प्राप्त होती है। लाल रंग की लिखावट ये भी लाखू उड्यार के गुफा चित्रों से प्राप्त होती है। ठीक, चलो अब चलते दूसरी गुफा पर। पहले गुफा चित्र कौन से थे? लाखू उड्यार। दूसरे प्रसिद्ध माने जाने वाले जो गुफा चित्र है इनको नाम दिया जाता है गोरख्या उड्यार। गोरख्या उड्यार प्रसिद्ध कहावत है गोरख्या उड्यार के लिए कि ना तो यहां गोरख्या है ना तो उड्यार है, फिर भी इसको नाम है गोरख्या उड्यार। मतलब कोई गुफा नहीं है तब भी इसको नाम दिया जाता है गोरख्या उड्यार। कहां है ये गोरख्या उड्यार? तब आप कहेंगे चमोली के डुंगरी गांव के पास में, चमोली के अंदर डुंगरी ग्राम के पास में। और गोरख्या उड्यार की इन चित्रों को प्रकाश में लाने का कार्य राकेश भट्ट ने किया। बाकी पर्टिकुलर कोई ईयर नहीं कि जिस साल इसको ढूंढा गया हो, क्योंकि गांव के ऊपर है तो कोई भी आदमी नॉर्मल आदमी आ जा करके देख सकता है इन चित्रों को। तो राकेश भट्ट ने इन चित्रों को प्रकाश में लाने का कार्य किया, जहां पर उन्होंने सबको बताया कि भाई ऐसे भी कुछ चित्र है और ये भी संभवतः प्रागैतिहासिक काल के। कैसे पता चलेगा आपको? तो राकेश भट्ट गोरख्या उड्यार चमोली के डुंगरी गांव से प्राप्त होते। राकेश भट्ट के द्वारा खोजकर्ता आप कह सकते हो कि राकेश भट्ट है, खोजने वाला राकेश भट्ट है। लेकिन पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि भाई कोई आदमी गया हो और उसने ही ढूंढ के निकाले हो, जैसे लाखू उड्यार में तो किसी ने नहीं देखा था। तब हमने कहा 1968 में एमपी जोशी ने ढूंढ करके निकाला, लेकिन इनको प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? राकेश भट्ट के द्वारा किया गया। और चमोली के डुंगरी गांव में गोरख्या उड्यार ऐसा इनको नाम बोलते हैं। ठीक, चल गोरख्या उड्यार से प्राप्त होने वाले चित्रों की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले याद रखना यहां पर कुछ पशु बनाए गए हैं। अब पता नहीं कैसे पता चलता कि वो पशु है, तो छोटे छोटे ना पशु बने कि जैसा जो मैंने थोड़ा सा देखा इसका चित्र, ये है भाई इनका पशु। कौन सा है बताओ? तो अतात लगेगा, बस अतात ही लगाएंगे अब तो, है ना? हाथी बोल भाई, तो हाथी बोलो वहां चमोली में कैसा है हाथी पर? चमोली हाथी ले जाने की तो बड़ी दिक्कत है ना, ऐसा करके ये बना दिया ऐसे। ये बोले एक पशु बना रखा है, पशु के पीछे बना रखा ऐसा ऐसा ये ना। बकरी भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा पशु है ना, इंसान भी तो हो सकता है, वो पशु वहां पर है। हाँ ये वाला, ये बिल्कुल सही है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंसान ऐसे ही, इन्होंने राकेश भट्ट ने ये डिजाइन निकाला कि एक आदमी है, इस आदमी के हाथ में एक डंडा है और डंडा देखिए ये पशुओं को भगा रहा है। तो हमें नहीं मतलब पशु भगा रहा है क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या लिखेंगे? गोरख्या उड्यार से प्राप्त होने वाले चित्र पशुचारक संस्कृति के प्रमाण होते हैं। पशुचारक संस्कृति के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तब कहेंगे गोरख्या उड्यार नाम की गुफा से प्राप्त होते हैं। ठीक, पशुचारक संस्कृति। इसके अलावा गोरख्या उड्यार के चित्र ही वो पहले चित्र है जहां पर मानव को त्रिशूलों के द्वारा अंकित किया गया। ऐसा आदमी बना रखा है भाई, ये आदमी ऐसा त्रिशूलों के द्वारा, मानव को त्रिशूल के द्वारा अंकित किस चित्र में किया गया है? तो लाखू उड्यार के नहीं, गोरख्या उड्यार के गुफा चित्रों में ही मानव को त्रिशूलों के द्वारा अंकित किया गया है। मानव को त्रिशूलों के द्वारा अंकित किया गया है। और कुछ खास बात गोरख्या उड्यार की, तो यहां पर लाल रंग का, गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है गोरख्या उड्यार से प्राप्त होने वाले इन चित्रों के अंदर किस रंग का प्रयोग है? तब कहेंगे गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो प्रागैतिहासिक इतिहास में अभी बाकी की भी गुफाएं हैं, हुडली की गुफा और बहुत सारी गुफाएं, तो कल को करेंगे उनको। लेकिन स्टार्टिंग में समझना कि प्रागैतिहासिक इतिहास की खोज समाधानों से होती है या फिर समाधानों के अलावा गुफा चित्रों से होती है। दो गुफा चित्र करें, दो अभी समाधान करें, बाकी को फिर कल को करें। ठीक।